सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी रिव्यू कर रहे हैं 2023 वर्ना का, जो कि 1.5 लीटर टर्बो है। तो इसका अभी फ्रंट लुक आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रंट की तरफ आते हैं तो इसका हेडलैम्प कुछ चेंज करके ला दिया है, नया फेसलिफ्ट आया ये। तो LED मिल जाता है, हेलोजन नहीं मिलता इसके हेडलैम्प में। अपर डीपर दोनों LED देखने को मिल जाता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है। और इसका जो ये जो सेक्शन है DRL का, वो काफ़ी प्रीमियम बनाता है गाड़ी को। इसका जो सेक्शन है DRL का, जो कि लाइन वाइज आपको पूरा दे रखा है, इसका जो सेक्शन है LED का, जो कि लाइन वाइज पूरा यहाँ से यहाँ तक दे रखा है। तो रियर लाइट भी कुछ ऐसा ही आपको मिल जाता है इसमें, देख सकते हैं। ये भी आपको लाइन वाइज पूरा मिल जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि लाइट पूरा जल रहा है। जो कि एक सीरीज वाइज में आपको मिल जाता है जो लाइट है बैक का, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका जो लाइट। यहाँ पे ग्रिल की तरफ आते हैं तो ये पूरा ब्लैक फिनिश में आपको मिल जाता है इसका जो ग्रिल है। यहाँ पे ह्यूंडाई का लोगो मिल जाता है, जो कि सिल्वर मैट फिनिश में आपको मिल जाता है ह्यूंडाई का लोगो। तो अभी साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। तो साइड की तरफ आते हैं तो इसका अलवाय थोड़ा डिजाइनिश टाइप का आपको मिल जाता है, ब्लैक ग्लॉस ब्लैक कलर में मिल जाता है। यहाँ पे रेड कैलिपर के साथ आपको मिल जाता है। बाय द वे अपोलो का टायर मिल जाता है इसमें पहले से, तो डायमंड कट अलॉय मिल जाता है। ORBM जो मिलता है वो बॉडी कलर का आपको मिल जाता है, विथ इंडिकेटर मिल जाता है। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस का बात करें तो 170 mm का एक बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको, थोड़ा मतलब हेल्पफुल रहेगा ग्राउंड क्लियरेंस इसका। तो कुछ ऐसा मिल जाता है इसका साइड का लुक, तो काफ़ी वाइड लगता है ये कार। तो इसके डोर हैंडल्स पे आते हैं तो ये पूरा सिल्वर फिनिश में आपको मिल जाता है इसका जो डोर हैंडल्स है, और ऊपर में जो शार्क फिन मिल जाता है ऊपर में, लेकिन एंटीना आपको नहीं मिलता है। बाय द वे यहाँ पे पूरा सिल्वर फिनिश दे रखा है यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका, मतलब ये विंडोज़ के सेक्शन पे पूरा सिल्वर फिनिश दे रखा है यहाँ पे। तो थोड़ा बैक की तरफ आते हैं तो बैक से गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसका, लाइट कुछ ऐसा मिल जाता है आपको, पूरा रेड टाइप का देखने को मिल जाता है, रेड एंड ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। तो पूरा फेसलिफ्ट चेंज करके आ गया है। तो यहाँ पे वर्ना की जो बैजिंग मिलती है वो भी सिल्वर मैट कलर में मिल जाती है। हुंडई का लोगो भी मिलता है, वो सिल्वर मैट कलर में आपको मिल जाता है। बाय द वे 1.5 लीटर टर्बो है ये, तो यहाँ पे 1.5 लीटर टर्बो का बैजिंग मिल जाता है, जो कि एक पावरफुल इंजन है। तो अभी इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं। बाय द वे रिक्वेस्ट सेंसर के साथ भी आता है। तो इसका इंटीरियर कुछ बेसिक्स आपको मिल जाता है, रेड फिनिश थोड़ा थोड़ा दे रखा है हर एक जगह, रेड एंड ब्लैक फिनिश का पूरा इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी आ चुके हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो इसका मीटर कुछ बेसिक्स आपको मिल जाता है, देख सकते हैं आप। तो अभी इसका इग्निशन ऑन करते हैं यहाँ से। तो इसका जो सीट्स वगैरह का एडजस्टमेंट है वो सब आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है इस गाड़ी में। तो सबसे पहले इसका स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट की बात करते हैं सबसे पहले। तो स्टीयरिंग का बॉडी रोल वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो इसका एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको टिल्ट मिल जाता है, विथ टेलीस्कोपिक मिल जाता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ मिल जाते हैं इसमें। इसका जो एडजस्टमेंट है स्टीयरिंग का, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है। तो इसका स्टीयरिंग की तरफ यहाँ सिल्वर पूरा देखने को मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ये वॉल्यूम वगैरह का ऑप्शन भी दे रखा है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तो बहुत सारे फीचर्स वगैरह इसमें मतलब आपको मिल जाते हैं, मतलब थोड़ा अपडेटेड फीचर्स वगैरह। बाय द वे ये रेड फिनिश जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये जो रेड फिनिश दे रखा है ये सेक्शन जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो स्टीयरिंग का बॉडी रोल वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। तो MID की तरफ आते हैं इसका मीटर की तरफ, तो उसका मीटर कुछ ऐसा मिल जाता है, टायर प्रेशर वगैरह सब दिखाएगा, मतलब ट्रिप वगैरह सब दिखाएगा आपको। तो मिल जाता है कुछ ऐसा, ड्राइव टू डिस्प्ले, टायर प्रेशर वगैरह, किलोमीटर वगैरह सब डायरेक्ट पूरा डिजिटल मिल जाता है। काफ़ी प्रीमियम लगता है इसका जो मीटर है आपको, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेक्शन में आपको इसका मीटर देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं आप। तो ये भी आपको ये इंडिकेट वगैरह करेगा इसका जो ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम, काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा लैगी नहीं है। तो इधर के तरफ आते हैं तो इसके डोर सेक्शन पे ये आपको सिल्वर देखने को मिलेगा इधर का पोर्शन। यहाँ पे आपको ये विंडोज़ वगैरह का एडजस्टमेंट मिल जाता है, लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है, ORBM का जो फोल्ड अनफोल्ड है वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है इस गाड़ी में। तो इसके सनवाइजर पे आते हैं तो
उसका सनवाइजर कुछ ऐसा मिल जाता है आपको, विथ मिरर मिल जाता है, लेकिन लाइट नहीं मिलता यहाँ पे, इसका सनवाइजर पे लाइट नहीं मिलता। तो सीट्स के एडजस्टमेंट की बात करें तो इसमें आपको ऑटोमेटिक सीट्स दे रखे हैं जो कि एडजस्ट होते हैं यहाँ से, तो ये देख सकते हैं मूव हो रहा है, तो ये आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है इस वरना में। तो इट्स अ वेरी गुड फीचर, जैसे कि आपको ऑटोमेटिक आज के डेट में ऑटोमेटिक खोजता हर एक कोई सीट का एडजस्टमेंट, वो ऑटोमेटिक इसमें मिल जाता है आपको अपडेटेड में। तो सीट का हाइट का एडजस्टमेंट भी आपको यहाँ से सेट होगा जो कि आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, सीट का जो हाइट का एडजस्टमेंट है जो कि यहाँ से एडजस्ट होगा, जस्ट यहाँ से देख सकते हैं आप ये मूव हो रहा है। तो यहाँ पे बटन दे रखा है सीट एडजस्टमेंट करने का जो कि ऑटोमेटिक मिल जाता है आपको, ऑटोमेटिक सीट के साथ आता है ये। तो इसके इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट मिल जाता है जो कि एलईडी मिल जाता है आपको, जो लाइट यहाँ जो मिलता है वो एलईडी आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ जो लाइट है एलईडी मिल जाता है। तो इसमें आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाता है एक बड़ा, वन टच ओपन हो जाता है, नॉर्मल सनरूफ दे रखा है। सनरूफ देखने को मिल जाता है। यहाँ के तरफ आते हैं तो यहाँ पे मिरर मिल जाता है, लाइट नहीं मिलता, इसका एडजस्टमेंट आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो अच्छा ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है ये जो है पूरा सेक्शन। तो इसके स्क्रीन के तरफ आते हैं तो ये 9 to 10 inch का आपको मिल जाता है, बहुत सारा फीचर्स इसमें दे रखा है, देख सकते हैं आप, फ़ोन प्रोजेक्शन है, नेविगेशन है, क्वाइट मोड है, रेडियो है, ब्लू लिंक डिवाइस भी है, क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ दे रखा है, यहाँ आप अपना क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं यहाँ से, अभी ये एसी को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, एसी ऑन कर सकते हैं, फ़ैन वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं इसके। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है एसी वगैरह का, जो कि इंटरनल एयर सर्कुलेशन है, एक्टिवेशन ऑन वाशर, ऑटो डी ह्यूमिडिटी, बहुत सारा फीचर्स में दे रखा है, जो कि क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर टैप करते ही आपको सब ऑन हो जाएगा, बहुत सारा दे रखा है। तो क्वाइट मोड, वैलेट मोड वगैरह सब दे रखा है, ब्लू लिंक डिवाइस। तो गाइस बहुत सारे फंक्शन वगैरह इसमें आपको मिल जाते हैं, इसके जो MID हैं, तो बहुत सारे इसमें आपको फंक्शन देखने को मिल जाता है इसमें आपको, यूजर प्रोफाइल, ब्लूइंग, ब्लूटूथ, डिस्प्ले वगैरह सब मिलता है। और इसमें आपको एम्बिएंट लाइट भी देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ नीचे में जल रहा है, इधर भी एम्बिएंट लाइट मिल जाता है। तो ग्लव बॉक्स में, ग्लव बॉक्स की बात करें तो स्पेस बढ़िया दे रखा है ग्लव बॉक्स में, देख सकते हैं आप स्पेस अच्छा दे रखा है इसके ग्लव बॉक्स वगैरह में। और इधर की तरफ भी आपको एम्बिएंट लाइट देख सकते हैं जल रहा है, तो एम्बिएंट लाइट बहुत जगह इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। तो इसका स्क्रीन का फंक्शन कुछ ऐसा मिल जाता है, नेविगेशन वगैरह सब मिल जाता है, बहुत सारे फीचर्स के स्क्रीन में दे रखे हैं। थोड़ा नीचे आते तो ऑटोमेटिक एसी देखने को आपको मिल जाता है, फ्रंट लीवर रियर डिफॉगर मिल जाता है, फ्रंट रियर डिफॉगर भी मिल जाता है इसमें, देख सकते हैं आप, ये वन टैप करेंगे तो एसी इसका ऑन हो जाता है आपको, डिफॉगर वगैरह के साथ आता है ऑटोमेटिक एसी। थोड़ा नीचे आते तो ये वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे सीट्स में से एयर आ रहा है, तो ये वेंटिलेटेड सीट्स का आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में, यहाँ से वेंटिलेटेड सीट्स इसका कंट्रोल होता है। थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन वगैरह दे रखा है, और यहाँ पे 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है, USB पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको पार्किंग का ऑप्शन है, ड्राइव मोड वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग पे टैप करेंगे तो कुछ ऐसा आता है आपको, पार्किंग वगैरह एडजस्ट वगैरह भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसका एडजस्टमेंट वगैरह आप कर सकते हैं, मतलब यहाँ से ऑन हो जाता है इसका जो पार्किंग का ये फंक्शन है, जो कि यहाँ से वर्क करता है, देख सकते हैं आप डिस्प्ले पे शो कर देगा, मतलब ये आप कहीं पार्क कर रहे हैं तो यहाँ से एडजस्ट वगैरह भी होता है ये। तो यहाँ पे पार्किंग पे टैप करते ही डायरेक्ट ऑन हो जाता है। एक व्यू का भी ऑप्शन दे रखा है, जो कि यहाँ से कंट्रोल होता है पार्किंग, यहाँ पे एक ड्राइव व्यू का ऑप्शन भी दे रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, जो कि चेक सराउंडिंग आपको बाहर का व्यू वगैरह दिखाएगा, जो कि सिंपली यहाँ से ऑन हो जाएगा वन टैप। ड्राइव मोड मिल जाता है इसमें, जो कि स्पोर्ट मोड है, देख सकते हैं आप, ड्राइव मोड देखने को मिल जाता है, जो कि इको है, नॉर्मल है और स्पोर्ट है, तीन मोड मिलता है। इको में आपको ये ब्लू इंडिकेट करेगा, देख सकते हैं आप, ब्लू इंडिकेट कर रहा है इसके मीटर पे, अभी इको मोड पे है, तो नॉर्मल मोड पे मतलब थोड़ा ब्लूइश डलेगा, और स्पोर्ट मोड पे आपको ये रेड हो जाएगा इसका जो मीटर है, जो कि यहाँ से इसका मोड कंट्रोल होता है ड्राइव मोड, यहाँ से तीन मोड दे रखे हैं, ड्राइव, इको
नॉर्मल, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, तीन मोड दे रखे हैं जो कि यहाँ से एडजस्ट होते हैं ड्राइव मोड से। गियर वॉच की तरफ आते तो ये बेसिक्स आपको ब्लैक ग्लॉस कलर में मिल जाता है, थोड़ा सिल्वर फिनिश मिल जाता है। तो इसका रिवर्स कैमरा भी आपको दिखा देते हैं जो कि काफ़ी क्लियर है। इसका जो रिवर्स कैमरा है देख सकते हैं आप, पूरा इंडिकेट वगैरह कर रहा है, यहाँ से एडजस्टमेंट वगैरह दे रखा है, मतलब यहाँ से एडजस्ट वगैरह ये होता है। तो देख सकते हैं ये एडजस्ट वगैरह हो रहा है यहाँ से, यहाँ से पूरा एडजस्ट वगैरह हो रहा है। तो रिवर्स कैमरा इसका काफ़ी क्लियर दे रखा है गाइस। यहाँ पे आते तो यहाँ बोतल कैप होल्डर मिल जाता है। सीट्स आपको रेड एंड ब्लैक फिनिश में पूरा यूज़ किया गया है, स्टिचेस वगैरह का रेड एंड ब्लैक फिनिश का। बाय द वे थोड़ा सा उधर से मतलब ये डायरेक्ट धूप आ रहा है, तो थोड़ा सा ये कलर करेक्शन वगैरह करके मैं अपलोड कर दूँगा वीडियो, तो थोड़ा आप लोग ये कर लेना। तो वहाँ से डायरेक्ट ये लाइट आ रहा है तो ये थोड़ा सा फोकस कर ले रहा है। तो यहाँ पर आपको रेड ट्रीटमेंट पूरा मिल जाता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा रेड एंड ब्लैक फिनिश का पूरा डैशबोर्ड पे यूज़ किया गया। रेड एंड ब्लैक फिनिश हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा। ये सीट्स वगैरह आपको ब्लैक एंड रेड फिनिश का पूरा सीट्स मिल जाता है। आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा दे रखा है। आर्मरेस्ट में देख सकते हैं आप, स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है इसके आर्मरेस्ट में। बोतल का फोल्डर मिल जाता है यहाँ पे। आर्मरेस्ट जो हैंड ब्रेक जो मिलता है वो मैनुअल मिलता है आपको। तो बाय द वे स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी में, देख सकते हैं आप, लेग रूम वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो चलते हैं इसके बैक की तरफ अभी। सो गाइस आ चुके हैं इसके बैक की तरफ। तो बैक से गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आ रहा है। सनरूफ आपको मिल जाता है जो कि नॉर्मल सा मिलता है, पैनोरामिक नहीं मिलता है। यहाँ एक लाइट मिल जाता है जो कि एलईडी मिल जाता है इस गाड़ी में। इधर की तरफ आते हैं तो ग्रैब हैंडल्स दे रखा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। डोर्स के सेक्शन पे आते हैं तो बाय द वे यहाँ पे सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल्स देखने को मिल जाता है और पूरा ब्लैक फिनिश में। नीचे बोस के स्पीकर्स मिल जाते हैं, बोस के जो कि बेहतर साउंड करते हैं, बोस के स्पीकर्स। तो आगे भी बोस के स्पीकर मिल जाते हैं, इधर के साइड भी मिल जाते हैं आपको बोस के स्पीकर्स। तो यहाँ आते तो रियर एसी वेंट देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे रखा है और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ थोड़ा स्पेस दे रखा है। बाय द वे रियर एसी वेंट मिल जाता है। तो स्पेस वगैरह की बात करें तो फाइव सीटर के हिसाब से स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा दे रखा है इसमें, मतलब फाइव सीटर के हिसाब से स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा इसमें दे रखा है। तो वैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको रियर सीट पे भी आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है विथ कप होल्डर्स। तो कप होल्डर्स के साथ यहाँ पर भी मिल जाता है आपको रियर आर्मरेस्ट, बैक की तरफ भी और फ्रंट की तरफ भी। तो स्पेस वगैरह की कमी नहीं है गाइस इस गाड़ी में, स्पेस वगैरह काफ़ी बढ़ा रखा है, देख सकते हैं अभी भी स्पेस बचा है। लेग रूम वगैरह काफ़ी अच्छा है इसके बैक की तरफ, लेग रूम वगैरह काफ़ी बढ़िया दे रखा है और आगे की तरफ भी। तो स्पेस इंक्रीज़ कर दिया है गाइस, 2022 वरना से ज़्यादा स्पेस है इसमें 2023 वरना में। तो ये 1.5 लीटर टर्बो है इसका जो मॉडल है। तो अभी इसके पावर फेयर की बात करते हैं तो इसमें आपको 113 BHP मिल जाता है आपको। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 45 लीटर का एक बड़ा टैंक मिल जाता है आपको इसमें, 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। और बूट स्पेस की बात करें तो इसमें जो आपको बूट स्पेस मिलता है 528 लीटर का बड़ा बूट मिल जाता है, 528 लीटर का एक बड़ा बूट मिल जाता है। तो अभी चलते हैं इसके बूट की तरफ और स्पेस बताते हैं उसमें कैसा दे रखा है। तो इसका जो बूट है वो इलेक्ट्रिकली स्टेबल मिल जाता है, देख सकते हैं आप इसका जो बूट है जो कि काफ़ी बड़ा स्पेस आपको इसमें मिल जाता है इसके जो बूट में, देख सकते हैं आप। एक लाइट मिल जाता है जो कि बूट में आपको हैलोजन मिलता है जो कि हेल्प करेगा लगेज वगैरह कैरी करने में नाइट में। तो स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है, एकदम अंदर तक स्पेस भरा हुआ है पूरा, 528 लीटर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है बूट में। तो बूट में स्पेस काफ़ी अच्छा दे रखा है इसके। तो ये इलेक्ट्रिकली स्टेबल मिल जाता है इसका जो बूट है आपको।